राहत तो कुछ नहीं है भाई इसमें, क्या राहत है 5 रुपए से? बिहार में 6 रुपए सस्ता हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए आज दिवाली है और दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से संपूर्ण भारतवासी को शुभकामना के रूप में एक नया सौगात दिया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल जिसके दाम प्रतिदिन 30 से 35% जो है 30 से 35 पैसे जो हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, ऐसे में कल रात अचानक से पेट्रोल के दामों में 5 रुपये की गिरावट आई है। और डीजल के दामों की बात करें तो डीजल के दामों में भी लगभग 10 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है, जिसके बाद से तमाम जगहों के जो पेट्रोल पम्प्स हैं वहाँ पर तस्वीर देखिए लोगों का भीड़ लगना शुरू हो गया है। लोग आकर के पेट्रोल भरवा रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से दाम बढ़ा दिया जाएगा, जिसको लेकर के लोग सुबह से ही लगातार पेट्रोल पंप्स पे पहुंच रहे हैं और पेट्रोल जो है अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं। 5 रुपये लगभग सस्ता हो गया पेट्रोल, सर कितने खुश हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा इलेक्शन के पहले सस्ता होता जो कुछ राज्यों में हुआ है तब बीजेपी की ये हाल नहीं होती। और ये तो एक्साइज ड्यूटी घटाया है और हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से कि वो भी अपना कुछ एक्साइज ड्यूटी घटाए कि ताकि पेट्रोल राज्य सरकार से भी चला गया, जिसकी वजह से बिहार में 6 रुपये सस्ता हुआ है। बिहार में 6 रुपये सस्ता हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि 1 रुपया घटाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि राहत कितनी है, राहत कितनी मिली, ग्राहक कितनी कितनी राहत मिली है? राहत तो बहुत मिली है, जैसे कि मैं अभी इसमें भरा रहा हूँ, जब गाड़ी में भराता हूँ तब राहत कम से कम मैं बताऊँ ऑफिस जाने आने में कुल मिला जुला करके करीब करीब 35 से 40 लीटर पेट्रोल मेरा जाता है मंथ महीने में। हाँ महीने में, क्योंकि सिर्फ बाइक ही नहीं है, गाड़ी भी है। नहीं अब ये ठीक है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार को कि उसकी और कहाँ कहाँ पे मतलब कि खामियाँ हैं उसको ज़रा ठीक कर दे। पेट्रोल और भी सस्ता होना चाहिए, अब कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि महंगाई जब इतनी बढ़ रही है, लोगों को पैसे में पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, तो फिर पेट्रोल तो उसके रैशनल में बढ़ेगा ही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहले जो पेट्रोल्स के दाम थे वो लगभग 114 के पास चले गए थे और अब आप देख पा रहे होंगे 107.92 आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से। और अब डीजल के दामों में भी देखेंगे तो इसने शतक लगा दिया था डीजल के दामों ने भी, लेकिन अब 93.10 इसका भी प्राइस हो गया। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में जब गिरावट आई है तो वे लोग जो हैं वो कितने खुश हैं। हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, पेट्रोल के दामों में 5 रुपये तक की गिरावट आई है, कितने खुश हैं? बहुत ही दुखी है। दुख है? हाँ दुखी इसलिए क्योंकि सर ये 5 रुपये जस्ट शो किया जा रहा है, ओवरऑल अभी कितना दाम है आज 108 रुपये है, 9 रुपये 107 रुपये है सर। कभी आज से 3 साल पहले का देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये हम लोग लेते थे, 70 और 108 रुपये में कितना का अंतर होता है सर, मतलब 50% इंक्रीज है 3 साल में, इनकम तो 50% इंक्रीज हुआ नहीं है। बींग ए सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का कितना बढ़ा है, मतलब कि 10-15% DA मैक्सिमम बढ़ा है और हम लोग को पे कितना करना पड़ रहा है, 50% एक्स्ट्रा कर रहा है, 35% तो हम लोग को पॉकेट से देना पड़ रहा है ना। और सस्ता होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल तो हाँ ये GST लागू होना चाहिए, पेट्रोल पे GST क्यों नहीं हो रहा है, जब सब कुछ पे GST है, हम कुछ भी चीज़ लेते हैं, एक पेन लेते हैं उस पे GST लगता है, तो पेट्रोल पे GST क्यों नहीं है? पेट्रोल पे हम टोटल सर देते क्या नसीहत देना चाहेंगे? हाँ सरकार को GST पे लगना चाहिए, GST मैक्सिमम 28% है, 28% पेट्रोल पे लगना चाहिए टैक्स, 28% तो टैक्स लगता नहीं है ना। स्टेट 100% लेती है और सेंट्रल 135% 40% लेती है, 35% इसका कॉस्ट आता है, सब कुछ लेके तो 40-45 रुपये पड़ता है, हम लोग को पॉकेट से देना पड़ता है 107-108 रुपये। पेट्रोल के दामों में 5 रुपये की गिरावट आई है, कितने खुश है आपको, कितना राहत मिलेगा? राहत तो कुछ नहीं है भाई इसमें, क्या राहत है 5 रुपये से, हमारे लिए तो भाई वही है, लेना ही तो पड़ेगा, गाड़ी चलानी है तो, और कुछ हो नहीं सकता है। तेल तो सस्ता, कुछ स्टेट को भी कम करनी चाहिए। सरकार को क्या नसीहत देना चाहेंगे? अब भाई इतना तेल महंगा कर दोगे, जो डेली कमा रहे हैं उसका क्या होगा, जो लोगों का काम गाड़ी से है वो लोग तो बिक रहे हैं ना, सैलरी तो इंक्रीज हो नहीं रहा है किसी का, सरकारी कर्मचारी का बढ़ता है, प्राइवेट कर्मचारी का इतना तो बढ़ता नहीं है हाइक, तो भाई सरकार को कहें कुछ अपने तरफ से ही वैट कम करें।
तो अभी आपने हमने तस्वीरों में आपको दिखाया किस तरीके से पेट्रोल के दामों में 5 रुपये की लगभग 5 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की है तो लोग इसके बावजूद भी नाखुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में और भी ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए थी। एक व्यक्ति से हमने बात की तो उन्होंने तो साफ तौर पर यह बात कह दी कि आज से जब 5 साल 6 साल पहले की बात करते हैं तो 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन अभी लगभग 50% दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसको कम करने की ज़रूरत है। सरकार को इन लोगों ने ये नसीहत दे डाली। देखते हैं क्या कुछ पेट्रोल के भाव रहते हैं, आगे घटता है या फिर बढ़ता है, हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।